हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तारिफ। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्कोरिल एलएस ड्राप के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एस्कोरिल एलएस ड्राप के बारे में। एस्कोरिल एलएस ग्लेनमार्क कंपनी इसको बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये 15 ml का आता है और 15 ml का MRP है 53 रुपये। और ये आपको मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, एस्कोरिल एलएस सिरप किस में काम आता है और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, हम आपको बताने जा रहे हैं। यह सिरप खांसी की सिरप है। अगर आपको बच्चों को खांसी आ रही है तो उसमें आप इसको दे सकते हैं। और यह सर्दी जुखाम खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को बलगम वाली खांसी आती है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए खांसी का बेस्ट दवा है एस्कोरिल सिरप। यह खांसी का बेस्ट दवा है। अगर आपको बच्चों को निमोनिया हो जाती है तो उसमें भी आप नोब्लॉक ड्राफ एस्कोरिल एलएस ड्राफ प्लस मेगा सीबी ड्राफ, तीनों ये ड्राप आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को सर्दी जुखाम निमोनिया खांसी और हल्का फीवर है तो ये तीनों ड्राप एक साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। संपर्क करने के बाद आप इस दवा का इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं अब हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको एक माह से 6 माह अगर बच्चे हैं तो उसको आप 10 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। इसको 10-10 बूंद आपके बच्चे को दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।